और ये क्या मतलब है श्रीमान जी विजेंद्र महेश्वर जी की तरफ से ये माता रानी के चरणों में उपहार स्वरूप दिए जा रहे हैं। धन्यवाद। तर्ज है मुझे इश्क है तुम्हीं से फिल्मी दुनिया वालों ने एक बड़ी फेमस तर्ज निकाली थी। कौन सी? आशा भैया, आशा भैया चनौसी से आए हैं चल के बहुत दूर से। हेलो, क्या बात है? अनुज, 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 कौन सी बात निकाली मनोज? अरे मुझे इश्क है तुम्ही से, मेरी जान जिंदगानी। लेकिन लक्ष्मण सिंह हजियापुर वालों ने क्या लिखा है कलम से, एक दिन रावण लंका को छोड़ करके अयोध्या की तरफ चल दिया। उसे मालूम था कि मेरा काल अयोध्या में जन्म ले चुका है। क्या हुआ? चल दिया धर जोगी का भेष, एक सन्यासी बनकर के रावण अयोध्या में पहुंच गया और केकई के महलों के पास में दरवाजे पर खड़ा है। केकई बाहर निकल के आई। केकई ने पहचान लिया कि रावण है जोगी के भेष में। तो केकई क्या कह रही है? धर्मेंद्र जी क्या बोली? कह दे ओ पिपर, कह दे ओ पिपर, कह दे ये रूप क्यों छुपाया, जोगी का भेष धर के क्यों द्वार मेरे आया।
रुस्तम मेरे दरवाजे पर आए हो, मैं पहचान गई तुम रावण हो, लेकिन ये रूप क्यों रखा है आपने? We'll be right back.
जिसको ढूंढता हूँ वो मुझे मिल गया। मेरी आखिरी इच्छा एक है वो पूरी तुम्हें करनी है। कौन सी? मेरा काल बन के रघुबर वनवास में पधारे, धरती पे पड़ रहा है उस भार को उतारे। क्या मेरा काल रघुबर के हाथों में है। मेरा काल बन के रघुबर वनवास में पधारे, धरती में पड़ रहा है उस भार को उतारे। लक्ष्मण वो लिख रहा है, लक्ष्मण वो लिख रहा है, वेदों ने जो उचारा जोगी का भेष धर के क्यों द्वार मेरे आया। जोगी सच्चे दरबार की।